हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कल मैं सीजीआई के ऑफिस गया था, काउंसलर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में। वहां पे आप लोगों के कुछ सवाल थे जो मैंने उनसे डिस्कस करा। आज के इस वीडियो में उसी सवाल का उन्होंने क्या आंसर दिया है वो शेयर करूंगा। उनसे मैंने 6 सवाल पूछे थे। पहला सवाल कि अगर स्पॉन्सर किसी को छुट्टी ना दे तो उस केस में वो एम्बेसी को कैसे कॉन्टेक्ट करे। और दूसरा सवाल कि अगर कोई स्पॉन्सर कंपनी या कफिल किसी को फाइनल एग्जिट वीज़ा इशू ना करे तो उस केस में वो एम्बेसी को कैसे कांटेक्ट करे, एम्बेसी किस तरह से उनका मदद कर सकता है। तीसरा सवाल कि अगर कोई आदमी, कोई वर्कर एम्बेसी के द्वारा अगर एग्जिट जाता है तो उस केस में वो क्या नॉर्मली वापस दूसरे कंपनी में आ सकता है या नहीं। इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ, मैं इस वीडियो में ज़्यादा उसी के बारे में बताऊँगा। चौथा सवाल मैंने उनसे पूछा था कि जो रिक्रूटमेंट फीस होता है इंडिया में, जो एजेंसी वाले होते हैं वो बहुत पैसे लेते हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपए लेते हैं। ऐसा कोई नियम है या फिर ऐसा कोई कानून है कि फीस का कोई निर्धारित फीस है कि इतना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पांचवा सवाल मैंने उनसे पूछा था कि जो ECR पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं, जिनको इमिग्रेशन क्लियरेंस करवाना पड़ता है सऊदी आने से पहले, लेकिन कई एजेंसी वाले इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं करवाते हैं, किसी दूसरे कंट्री से होते हुए उनको सऊदी बुलाता है, तो उस चीज़ को कैसे रोका जाए। चौथा और पांचवा सवाल का मुझे कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिला। उन्होंने बताया कि इनको कांटेक्ट कीजिए, तो मैं वो करूँगा। और छठा सवाल ये पूछा था कि जो विजिट वीज़ा होल्डर होते हैं वो सऊदी में आते हैं, इसके बाद उनका मान लीजिए पासपोर्ट गुम जाता है, ख़राब हो जाता है, तो क्या एम्बेसी के द्वारा उनको पासपोर्ट इशू किया जा सकता है या नहीं इशू किया जा सकता। ये एक सवाल। और एक सवाल मैंने और पूछा था कि हाल फिलहाल में करीब 3-4 महीने पहले एक वीडियो पब्लिश करा था एक आदमी ने, कि उन्होंने कहा था कि एम्बेसी वालों ने उनको कांटेक्ट करा कि आप सब लोगों को बताइए। ये क्लिप आप देखिए, ये क्लिप कुछ 1-1.5 मिनट का है, आप पहले इसको देखिए। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि ऐसा क्यों बोल रहा था ये, क्या गलत बोला है इसने। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ये वीडियो देखिए। यूट्यूब पे काम करते हैं, टिकटॉक चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, कोई भी सोशल मीडिया चलाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे यूट्यूबर भाई, जितने भी हमारे जो यूट्यूबर भाई हैं सऊदी अरब के अंदर में वीडियो बनाते हैं, चाहे उनका आपको 1000 सब्सक्राइबर है, 500 सब्सक्राइबर है, या 5 लाख सब्सक्राइबर है, या लाख सब्सक्राइबर है, उन सब के लिए मैं बहुत ही इन्फॉर्मेशन की वीडियो लेके आ रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, हमारे कुछ अपने लोगों के साथ बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस अभी हुआ है और अभी भी बहुत डर लग रहा है मेरे को, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ हो गया तो अल्लाह की कसम कहता हूँ मैं, उनकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी सऊदी अरब के अंदर में। जैसे कि आप सबको पता है कि सऊदी, ये एक वीडियो है और एक ये वीडियो है। मुझे कॉल आया है, कॉल आया है सऊदी अरब से, ठीक है। अब कॉल आने का मतलब क्या है कि मेरे पास इसलिए कॉल आया है, मैं यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। अब कॉल आने का मतलब क्या है कि आप बड़े हैं, आप बहुत पुराने हैं और आप लोगों को बात बता दीजिए, पहले से आगाह कर दीजिए, खास करके इंडियन एम्बेसी से कॉल आया है, आगाह कर दीजिए, क्योंकि आपका पहला नाम था हिट लिस्ट। मैं तो इंडिया में बैठा हुआ हूँ, मैं तो सऊदी में हूँ नहीं, तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये कहा, ये आदमी नहीं है सऊदी अरब के अंदर में, ये इंडिया, ये अपना इंडिया में, तो कोई दिक्कत नहीं है उनको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग सऊदी बैठ के वीडियो बना रहे हैं उनको आप, तो ये 2 क्लिप्स था जो मैंने इनके वीडियो से आज ही कॉपी करा है, दोनों एक ही वीडियो का क्लिप है। इसमें जो ये बात बता रहे हैं वो सरासर गलत है। पहली बात ये कि सऊदी में वीडियो बनाने वालों के बारे में बोल रहा हूँ, मैं सऊदी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा बात, इन्होंने कहा एम्बेसी वालों ने इनको कॉल करके बताया, वो कल मैंने इसको रीवैलिडेट करा CGI वालों से, तो उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है कि हम किसी को इंडिविजुअली कॉल करके बताएं। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो कल आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है ये और क्या इसका मोटिव है, क्या वैलिडेशन है, क्या ऑथेंटिसिटी है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये एक बात था, बहुत इंटरेस्टिंग सा कहानी हुआ CGI में कल। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ एक एक जो सवाल थे उसके बारे में, इसको भूल जाइए, कल इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। पहला सवाल जो मैंने उनसे पूछा था कि कंपनी वाले अगर उनको छुट्टी नहीं देते हैं, या फिर दूसरा सवाल कि एग्जिट वीज़ा नहीं देते हैं, तो उस केस में वो क्या करेंगे।
तो उन्होंने उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है उसी बेस पे कंपनी वाले छुट्टी देते हैं, ये सारी बातें वो एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन मैंने उनको ये बताया कि मान लीजिए किसी का कॉन्ट्रैक्ट में छुट्टी बन रहा है, वो लेने के लिए एलिजिबल है, उस केस में भी नहीं दे रहा है। तो कम एम्बेसी वालों ने ये बताया, सीजीआई वालों ने, कि हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर है, हमारे पास 24 आवर्स का सर्विस है, अगर जिनको भी इमरजेंसी है वो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। पहली बात ये कि जो सीजीआई के एम्प्लॉयज़ थे, ऑफिसर्स थे, वहाँ पे बहुत ही हम्बल थे और बहुत जेंटल थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। कई बार उन्होंने ये भी मुझसे पूछा कि इतने सारे सवाल, इतने प्रॉब्लम्स आपको कैसे हैं। मैंने बोला नहीं, मैं दूसरों के लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने और डिटेल में बताया उसे। तो ये नंबर उन्होंने दिया है कि जिन लोगों को कंपनी वाले ने, अगर कंपनी से कुछ भी प्रॉब्लम है, छुट्टी नहीं दे रहा है या फिर एग्जिट वीज़ा नहीं दे रहा है, इकामा वैलिड है, तो उस केस में वो एम्बेसी को, सीजीआई को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर जो उन्होंने दिया है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, व्हाट्सअप का नंबर है। और एक फॉर्म भी है इनका फिल करने का, अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो मुझे ईमेल कीजिए, मैं वो फॉर्म आपको भेज दूंगा, आप वो फॉर्म में फिल कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग कांटेक्ट करते हैं, उनको रेस्पॉन्स नहीं आता है और ये बोलते हैं कि एम्बेसी वाले तो काम ही नहीं कर रहे। लेकिन किसी भी तरह, किसी भी लोगों को कांटेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर अप्रोच रहता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर रहता है कि इस प्रोसेस से आप कांटेक्ट करेंगे तभी आपको सामने वाला जवाब देगा। तो वो एक फॉर्म भी है उनका, तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सब लोगों के लिए समझना, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों को हरूप लगा है या फिर जिन लोगों का इकामा एक्सपायर हो गया है, अगर वो एग्ज़िट जाना चाहते हैं तो एम्बेसी के वेबसाइट में जाके एक फॉर्म है, एग्ज़िट वीज़ा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो फिल करके सबमिट कर सकते हैं, तो एम्बेसी वाले उनको भेज देंगे इंडिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वापस फिर नॉर्मली आ सकते हैं या नहीं। तो इसमें उन्होंने अच्छे से बताया कि दो तरह से आप जा सकते हैं। पहली बात ये कि जिनका हरूप है और जिनका इकामा एक्सपायर हो गया है, ये दो लोग जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों कैटेगरी में जो लोग हैं उनके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, ओके। अगर कोर्ट केस नहीं है तो वो ऑनलाइन उस फॉर्म को फिल करें, इसके बाद वो जा सकते हैं। लेकिन जिनके ऊपर हरूप लगा हुआ है, अगर वो एग्जिट जाएंगे, जिनके ऊपर हरूप लगा हुआ है और वो एग्ज़िट जाएंगे यहाँ से एम्बेसी के द्वारा, तो वो 5 साल के बाद ही सऊदी आ सकते हैं, ओके। दूसरा, वो जिनका अगर इकामा एक्सपायर है तो वो एग्ज़िट जा सकते हैं सऊदी से और नॉर्मली कभी भी सऊदी आ सकते हैं, ओके। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इन दोनों केसेस में किसी का भी केस नहीं होना चाहिए। जिनका हरूप लगा हुआ है उनको वो यहाँ पे बुलाते हैं, इसके बाद बस में बैठा के हर एक वेडनेसडे को सुबह 10 बजे शायद एक बस जाता है, यहाँ पे कहीं पे एक जगह है जहाँ पे बायोमेट्रिक करवाते हैं, इसके बाद उनको एग्ज़िट वीज़ा लग जाता है, फिर वो अपना टिकट लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जिनका इकामा एक्सपायर है उनको अगर एग्ज़िट लेना है तो उनको अपने आप एग्ज़िट लग जाता है, उनको यहाँ पे आने का ज़रूरी नहीं होता है। तो ये सवाल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि अगर आपका हरूप लगा हुआ है और आप एम्बेसी के थ्रू जा रहे हैं तो आप 5 साल के लिए नहीं आ सकते। अगर आपका एग्ज़िट वीज़ा, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है और आप एम्बेसी के थ्रू जाते हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं, ओके। ये दो हो गया। और एक तीसरा कैटेगरी है, किसी, कई लोगों का केस होता है, कुछ होता है तो डिपोर्ट कर दिया जाता है उन लोगों को, जेल के द्वारा या किसी भी तरह से उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर डिपोर्ट किया गया है तो ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकते सऊदी अरब, ओके। तो ये एक सवाल था जो उनसे पूछा था। और जो चौथा और पांचवा सवाल था जो फीस के बारे में, एजेंसी रिक्रूटमेंट फीस के बारे में, और जो ECR पासपोर्ट है जिनको इमिग्रेशन क्लियरेंस बिना करवाए हुए वो बुला लेते हैं इधर, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कॉन्टेक्ट कीजिए, और भी बहुत सारे नाम्स बताएं, मैं उनको कॉन्टेक्ट करूँगा। और जो सिक्स्थ क्वेश्चन था कि जो विजिट वीज़ा हैं, विजिटर्स हैं जो आएंगे इंडिया से यहाँ, उनका पासपोर्ट अगर डैमेज हो जाता है, गुम हो जाता है, तो वो पासपोर्ट भी यहाँ पे बन जाएगा, ओके। वो कैसे बनेगा, उसके लिए पहली बात तो आपको FIR करना पड़ेगा आपको पासपोर्ट गुम गया है। दूसरा, आपको इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आपने देखा होगा मेरा पिछला वीडियो तो मैंने बताया कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे जाइए, आप अप्लाई कीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए, इसका तो आपको VFS के जो वेबसाइट है उस पर रीडायरेक्ट करेगा,
फीस पे कीजिए, इसके बाद आपको बाकी का सारा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा, फिर आप एम्बेसी से आके पासपोर्ट ले सकते हैं। तो ये सारे सवाल थे जो मैंने उनसे पूछा और आप लोगों को बताया है, जिसमें जो मोबाइल नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक ईमेल आईडी है लेबर ऑफिस का, वो भी दे दूंगा, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस करा कल, आपका अगर कोई भी सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इधर उधर भटकने के बजाय सीधा एम्बेसी या कॉन्सुलेट जाइए। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स है उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे, आपको ऐसा नहीं कि भगा देंगे या फिर डांटेंगे कुछ करेंगे। आपके जो भी सवाल है उनको बताइए, वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। अगर आप इधर उधर जाएंगे तो और मुसीबत में फंस जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, कल के वीडियो में आप ज़रूर इस जो मैंने आपको क्लिप दिखाया था उसका सच्चाई आपको मैं बताऊंगा कि क्या पूरा कहानी है, ताकि आपको भी पता चले कि लोग मिसलीड कैसे करते हैं, मिसगाइड कैसे करते हैं, उनको क्या मिलता है इस केस में। उस वीडियो में आपने सुना होगा क्या बोल रहे हैं कि जो भी भाई लोग सऊदी में बैठ के वीडियो बना रहे हैं उनका ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मैं तो भाई जब से ये वीडियो पब्लिश हुआ है जो मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद से लगभग 100 वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, मेरा ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं हुआ, मैं बैठ के आपके सामने ही हूँ अभी, है ना। तो इस तरह के चीज़ों को पब्लिश करने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि बाकी लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। ऐसे एक दो लोगों को मैं जानता हूँ, जब इन्होंने ये वीडियो पब्लिश करा था इसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसे भी बताया जा रहा है कई लोगों के द्वारा कि इन्होंने किसी लैंडलाइन के नंबर से कॉल करवाया था किसी को कि एम्बेसी से बोल रहा हूँ और आप तुरंत निकल जाओ, ऐसा एम्बेसी वाले इसको डिनाई करते हैं क्लियरली। ओके, तो मैं पूरा कहानी आपको बताऊंगा, इंटरेस्टिंग सा कहानी होगा। इसके बाद आप इनसे सवाल पूछिएगा कि ये सही है या गलत है, कौन सा सिक्योरिटी रीजन है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, हो सके तो इस वीडियो को सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिले। Thank you very much.